ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण नहीं मिला तो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार रहेगी। ऐसा आरोप करते हुए नाना पटोले ने मांग की कि केंद्र सरकार तुरंत इंपेरिकल डेटा मुहैया कराए। आयोजित पत्र परिषद दौरान नाना पटोले द्वारा यह मांग भी की गई है। राज्य सरकार को एक पिछड़ा आयोग बनाना चाहिए, इसके माध्यम से एम्पिरिकल डाटा बनाया जाना चाहिए और न्यायालय में वापस अपनी भूमिका रखनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए केंद्र सरकार हमें डाटा दे ताकि कोर्ट को देने से ओबीसी को आरक्षण मिलने में आसानी होगी, ऐसा नाना पटोले द्वारा कहा गया। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिलेला जो निर्णय है त्या निर्णयाच्या बद्दलचं पुन्हा राज्य सरकारने आपली भूमिका सुप्रीम कोर्टाकडे मांडावी, कारण की सगळ्यात मोठं याच्यामध्ये जी अडचण आहे ती आहे जनगणनेचं जी संख्या त्यांना जी पाहिजे ओबीसी समाजाची तेच आकडे केंद्र सरकार द्यायला तयार नाही, आणि म्हणून राज्य सरकारने एकीकडे मागासवर्गीय आयोग जो निर्माण राज्यात केलेला आहे त्याच्या माध्यमातून इम्पीरियल डाटा या 2-3 महिन्यात गोळा करावा, आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिकेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला इन्सिट केलं पाहिजे की जो डाटा केंद्र सरकारकडे आहे तो तातडीनं दिला गेला पाहिजे, जेणेकरून फक्त महाराष्ट्राच्या 5 जिल्ह्यातच नाही तर देशातल्या ओबीसी समाजाचं नुकसान या ठिकाणी होते आहे, त्यांचं राजकीय नुकसान होत आहे, आणि म्हणून आम्ही राज्य सरकारला पुन्हा आपली भूमिका सुप्रीम कोर्टामध्ये मांडायला लावणार आहोत, आणि ज्या निवडणुका होतील या ओबीसीचं आरक्षण राजकीय आरक्षण कायम ठेवूनच ह्या निवडणुका व्हाव्यात ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे। मागास आयोग द्वारा डेटा जमा करने का काम किया जा रहा है, लेकिन जब आयोग जनता तक पहुंच रहा है तो यह ध्यान भी रखना होगा कि कौन अभी है। केंद्र सरकार ने कहा है हमें जातिगत जनगणना नहीं चाहिए, इसलिए आयोग ने डेटा जुटाने के लिए 450 करोड़ रुपए मांगे हैं। ओबीसी को आरक्षण न देने में राज्य सरकार की भूमिका न होती तो आयोग का गठन नहीं होता। तीसरा लाटी का अलर्ट राज्य सरकार केंद्र सरकार ने दिलेला है, त्याच्यामुळे अखेरी हा जो आयोग लोकांमध्ये जाईल त्याच्यामध्ये पुन्हा या कोरोनाची अडचण त्याच्यामध्ये निर्माण झालेली आहे, आणि अशा या परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारच्या वतीनं सातत्यानं आयोगांनाही विनंती करण्यात येत आहे की आम्हाला तुम्ही डाटा गोळा करून द्या, पण कोरोनाच्या या स्थितीमध्ये डाटा केव्हा गोळा होईल याची शाश्वती आज सांगता येत नाही, आणि म्हणून आम्ही मगाशी म्हणालो त्याप्रमाणे हा ओबीसी समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न आहे। हमने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करने की भूमिका में ही है। संविधान बदला जा रहा है, भाजपा ने संवैधानिक व्यवस्था को खत्म कर दिया है, ऐसे कड़े शब्दों में नाना पटोले द्वारा भाजपा पर हल्ला बोल किया गया। अब देखना ये होगा कि दो पार्टियों की राजनीतिक लड़ाई में ओबीसी समाज को व्यय मिलता है या नहीं। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।